क्या नेजल एलर्जी का कोई परमानेंट इलाज है? यस दोस्तों, बात करते हैं इस देर परमानेंट ट्रीटमेंट ऑफ नेजल एलर्जी। माय सेल्फ डॉक्टर सुनील तंवर, कंसल्टेंट ENT एंड राइनोप्लास्टी सर्जन एंड डायरेक्टर जयपुर दूरबीन हॉस्पिटल। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले देखिए, बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूले एंड यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बैठे बैठे आपको घर बैठे अच्छी अच्छी वीडियोज का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। दोस्तों, बड़ा कॉमन क्वेश्चन है मेरे ओपीडी में, जब पेशेंट आते हैं बुरी तरह से परेशान है, सर कोई परमानेंट इलाज है नेजल एलर्जी का? सो दोस्तों, सबसे पहले समझते हैं क्या है ये नेजल एलर्जी। दोस्तों, नेजल एलर्जी जो है, नाक के अंदर की जो हमारी म्यूकोजा है वो बहुत बार क्या है, हाइपर सेंसिटिव हो जाती है। एंड उस सेंसिटिविटी के कारण आपको नाक के अंदर क्या है, कंजेशन होने से नाक के अंदर डिस्चार्ज होता है, बार बार स्नीजिंग होता है, कफ होता है, बार बार नाक के पीछे जो है गले में जो पानी टपकता है उसके कारण सोर थ्रोट होता है। एंड बहुत बार क्या है कि नेजल एलर्जी के कारण जो हमारे साइनस जो है उसमें भी इन्फेक्शन स्टार्ट होता है, उसके कारण साइनोसाइटिस भी डेवलप होती है। एंड फेशियल पेन है, हेडेक है, छींक आना है, खांसी आना है, नाक बंद होना है, ये नेजल एलर्जी के लक्षण है। दोस्तों, अब हमारे दिमाग में एक सवाल ये चलता है कि इसका ट्रीटमेंट क्या है, कि परमानेंट है क्या? सो दोस्तों, सबसे पहले जो है उसके परमानेंट जो उसका ट्रीटमेंट करने के लिए सबसे पहले उसका कारण जाना जाता है। कारण जानने के लिए क्या होता है कि नेजल एलर्जी कई बार सीजनेबल होती है, कई बार पूरे ईयर जो है पेरिनियल एलर्जी होती है, कि कई बार आपको पार्टिकुलरली सीजन में एलर्जी होती है, कई बार पूरे साल भर एलर्जी होती है, या कई बार कुछ लोगों को कोई पार्टिकुलरली ऐसी चीज होती है जिससे एक्सपोज होते ही उसको एलर्जी होती है। तो इसमें सबसे पहले इसका डायग्नोसिस बनना एक बहुत महत्वपूर्ण बात है। सबसे पहले हिस्ट्री, जब पेशेंट हिस्ट्री देता है कि सर मैं जयपुर में आया तो मेरे को एलर्जी है, बाहर मेरे को नहीं होती, इसका मतलब है कि कोई ना कोई जो है वो आपको ऐसी एलर्जेंस है जिससे यहाँ पे आपको एलर्जी है। सो उसके लिए क्या आपको कराना होता है, एक एलर्जी टेस्ट कराया जाता है। उस एलर्जी टेस्ट में एक सैंपल लिया जाता है और उस सैंपल के माध्यम से जो है वो तीन कैटेगरीज यूजुअली हम कराते हैं, जितना भी अपन फूड वेज है तो वेज, नॉन वेज है तो नॉन वेज, उस फूड कैटेगरीज का। सेकेंड, जितनी भी जो है वो बेसिकली चीजों से हम रोजमर्रा की जिंदगी में कॉन्टेक्ट में आते हैं। एंड थर्ड, जितने भी हमारे यहाँ पोलन्स होते हैं, उन जो तीन कैटेगरीज हैं उन कैटेगरीज में जब आपका टेस्ट की रिपोर्ट आती है तो आपको ये पता लग जाता है कि आपको कौन कौन सी चीज से बचाव करना है। यू कैन सेग्रीगेट द थिंग्स बाय विच यू कैन प्रिवेंट, कि कौन सी चीजों से बचाव करना है, नंबर वन। नंबर टू, दोस्तों आजकल एक ऐसी सुविधा भी है जिसमें आपको अगर किसी चीज से सबसे ज्यादा एलर्जी आ रही है उसकी वैक्सीन बनती है, ओरल वैक्सीन है, उसको आपको ड्रॉप ड्रॉप करके 4-5 महीने तक लेना होता है, जस्ट टू क्रिएट इम्यूनिटी इन ब्लड। कोविड की फर्स्ट वेव में देखा आपने, हर घर में ही डेथ हो रही थी, उसके बाद थर्ड वेव में देखा आपने पूरी दुनिया को कोविड की वैक्सीन के कारण आज पूरी दुनिया कोविड मुक्त है, कोविड से बचाव हमारा हुआ, ऐसे ही उस वैक्सीन का रोल है। ये हो गया दोस्तों आपका जो है एलर्जी का टेस्ट। एंड इसके अलावा जब नोज का एक नेजल एंडोस्कोपी करके दोस्तों ये भी देखा जाता है कि हमारे नोज के अंदर जो हमारा एयर वे है, जो ब्रीदिंग का जो रास्ता है, वो पेटेंट है कि नहीं है। अगर आपका जो एयरवे का जो रास्ता है उसमें अगर आपका DNS है, मतलब कि नाक की हड्डी टेढ़ी है, कोई ट्रॉमा है, कोई नाक के अंदर विकृति है, कोई नाक में हमारा मांस बना हुआ है, तो भी दोस्तों आपको बार बार नेजल एलर्जी के चांसेस यूजुअली हमारे को रहते हैं। सो ये भी हमें फिजिकली देखा जाता है। सपोज करो आपको DNS है, DNS है तो दोस्तों उसको फिर बाद के अंदर सर्जिकल माध्यम से उसको भी हमें ठीक कराना होता है। तीसरा दोस्तों, प्रोफेशनल रिलेटेड भी होता है। अगर आप कोई ऐसी फैक्ट्री में वर्कर हैं, सुपरवाइजर हैं, जहां पे बहुत ज्यादा डस्ट का काम है, बहुत ज्यादा फाइलें झाड़ने का काम है, सो वो प्रोफेशन रिलेटेड, जहां पे पेंटर्स होते हैं या कोई जो है वो जहां पे बहुत ज्यादा स्मोकिंग का काम होता है या आप खुद स्मोक कर रहे हो, तो ये जो चीजें हैं वो भी एक एलर्जी का जो है वो कारण होते हैं। अब दोस्तों, जैसे आपने इन सब चीजें जैसे मैंने आपको बताया उसमें आपको लग रहा है कि आप कौन सी कैटेगरीज में फिट हो रहे हो या हो सकता है आपको इसके कारण एलर्जी है, तो डॉक्टर क्या करता है, वो जो कारण है उसको ठीक करता है एंड आपको एक एंटी एलर्जिक दवा दी जाती है। पहले उस प्रॉब्लम को कंट्रोल किया जाता है एंड देन यू नीड आफ्टर द 10 डेज मिनिमम मेडिकेशन जस्ट टू प्रिवेंट रिकरेंस, कि आपको वो प्रॉब्लम बार बार नहीं हो। तो दोस्तों, जो आप
डॉक्टर ने आपको एक गोली दी है और एक नेजल स्प्रे दिया है, उसको आपको एक दो महीने तक डॉक्टर के आदेशानुसार कंटिन्यू लेना है। बट प्रॉब्लम यहाँ पे आती है, जब आपने दो महीने दवाई ली, आप ठीक हुआ, आपके बगल वाला आपको बोलेगा अरे भैया ये तो आपको लत लग जाएगी, इसको बंद कर देना, और आपने बंद कर दिया, आप वापस आप जीरो पे आके। दोस्तों ऐसा नहीं करना है, जो आपको डॉक्टर ने दवाई बताई है उस दवा को आपको लगता है कि एक महीना हो गया, आप वापस डॉक्टर को दिखाओ, डॉक्टर उसको अल्टरनेट डे कर देता है, जो आप 30 गोली लेते थे वो 15 गोली में काम हो जाता है। दो महीने बाद जब आप कहते हो डॉक्टर साहब मैं तो अभी भी ठीक हूं, देन फिर उसमें एक दिन का और गैप किया जाता है, एंड आपके जो है अकॉर्डिंग एक नेजल स्प्रे और दिया जाता है, जिससे उसके जो लक्षण है उसको कंट्रोल किया जाता है, एंड धीरे 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 बहुत बार वो दवा बंद भी हो जाती है। ऐसा नहीं है कि लगातार ही चलती रहेगी, बट आप कितने जागरूक हैं। आपने अगर वो ट्रीटमेंट बंद कर दिया, आपने उसकी वैक्सीन नहीं ली, आपने उसका परहेज नहीं लिया, आपके घर में कोई पेट है या आप डस्ट है या आप स्मोकिंग कर रहे हो, डॉक्टर के हाथ में सब कुछ नहीं है, आप खुद को भी उस डॉक्टर के साथ लगना होगा। दोस्तों नेजल एलर्जी का परमानेंट सॉल्यूशन है अगर आप इन सब चीजों को फॉलो करोगे। दूसरा हैंड पे अगर नेजल एलर्जी का आपने ध्यान नहीं दिया तो नाक में आपको साइनस करके आपके पॉलिप्स बन जाएंगे, फिर आपको एंडोस्कोपिक साइनस सर्जरी करानी पड़ेगी, एंड उस सर्जरी के बाद फिर आपको ट्रीटमेंट लेना होगा। सो दोस्तों देखा आपने कि नेजल एलर्जी का रियली परमानेंट इलाज है, बट आपको डॉक्टर से अच्छे से समझना पड़ेगा कि आपको कौन सी चीज से एलर्जी है, किस चीज से आपको बचाव करना है, दवा कैसे लेनी है, कब कब मुझे वापस दिखाना है, मेरी लाइफस्टाइल में क्या मॉडिफिकेशन करना है, मुझे योगा प्राणायाम क्या क्या किन किन चीजों की जरूरत है, ये सारी चीजें आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें तो आप अगर उसके साथ होते हैं तो आपको परमानेंट इसका इलाज हो सकता है। सो दोस्तों देखा आपने कितनी महत्वपूर्ण जानकारी है नेजल एलर्जी के रिगार्डिंग। तुरंत आप अपने फ्रेंड्स और फैमिली या जो जिसको नेजल एलर्जी की प्रॉब्लम है, यू कैन शेयर दिस प्रॉब्लम जस्ट टू क्रिएट अवेयरनेस रिगार्डिंग द नेजल एलर्जी ट्रीटमेंट। एंड आपका कोई सवाल है, क्वेश्चन है, डेफिनेटली यू कैन पुट माय कमेंट बॉक्स, हम उसका आपको जरूर डिस्कशन करेंगे। थैंक यू।